शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी मुहिम कार्यरत पुलिस एसआरपीएफ तथा सीआरपीएफ के जवानों में कोरोना के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में गढ़चिरौली में पोस्टिंग के लिए आए 150 जवानों में 29 के रिपोर्ट पॉजिटिव निकले। यह सभी जवान राज्य के धुलिया से गढ़चिरौली पहुंचे हैं। इन सभी जवानों को पुलिस मुख्यालय में रखा गया, लेकिन सबसे अधिक मामले सीआरपीएफ जवानों में पाए गए। सीआरपीएफ के 72 जवान कोरोना के मरीज बने हैं। यह जवान देश के विभिन्न इलाकों से नक्सल विरोधी अभियान में जुड़ने के लिए लंबा सफर तय कर जिले में दाखिल हुए। सीआरपीएफ ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना क्वारंटाइन फैसिलिटी का निर्माण किया है। बाहर से आए सभी जवान यहां 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखे जा रहे हैं। इन्हीं में से 72 जवान बाधित पाए गए। जिले में अब तक कुल 101 जवान बाधित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह माना है कि बाधित हुए जवान सफर के दौरान वायरस की चपेट में आए। नक्सल विरोधी अभियान के लिए यह एक चिंता का विषय है, जिसके चलते जिले के नक्सल विरोधी अभियान के आला अधिकारियों में बैठक का दौर चल रहा है। जून तक हमारे पास जो बाधितों की संख्या थी वो कम थी, लेकिन 1 जुलाई से लगातार हमारे यहाँ पे कोरोना बाधितों की संख्या बढ़ रही है। उसमें से अधिकतर सीआरपीएफ के और एसआरपीएफ के जवान जो अपने घरों से वापस आए हैं, आते वक्त उनको कहीं तो भी ट्रैवलिंग में, ट्रेन में या कहीं तो भी उनको बाधा पहुँच गई, और यहाँ पे आने के बाद सबको क्वारंटाइन किया गया था, और सबके सैंपल लेने के बाद टोटल एसआरपीएफ और सीआरपीएफ के जवान मिलके 101 बाधितों की संख्या वो हो गई। और ये इसके अलावा बाकी के और बाधितों की संख्या पकड़ के 224 का आंकड़ा हम आज की तारीख में गढ़चिरौली जिले में कोरोना बाधितों की है।